नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। ऐसा माना जाता है कि जेठ माह के बड़े मंगल पर हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना वंदना करने पर तथा प्रसाद वितरण करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। इसी के अंतर्गत आज जिले भर में भक्तों ने जगह जगह भंडारे का आयोजन किया। पूरी सब्जी, बूंदी, हलवा, शरबत आदि का जगह जगह प्रसाद वितरण किया गया तथा श्री हनुमान जी महाराज के पूजा अर्चन वंदन कर सभी के कल्याण की कामना की गयी। शहर में पत्रकारों की ओर से सिनेमा चौराहा पर संयोजक सुधांशु मिश्र के नेतृत्व में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अमर उजाला के आनंद मिश्र, दैनिक जागरण के पंकज मिश्र, राष्ट्रीय सहारा के अनिल मिश्र, आज अखबार के अरुण मिश्र, अनिल मिश्र, पत्रकार अखिलेश सिंह, पंकज गुप्ता, धीरज शर्मा, पप्पी गौरव मिश्रा, गौरव गुप्ता, देवेंद्र पांडे, मोहित त्रिपाठी, रजनीश सिंह, गोपाल द्विवेदी, अमित पाल आदि ने भंडारे में सहयोग किया। इसी प्रकार बाबा विश्वनाथ मंदिर पर भी वरिष्ठ पत्रकार आनंद शुक्ला के नेतृत्व में हलवा, शरबत व बिस्किट प्रसाद का वितरण किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद पाया। खैतोई धाम में बालाजी मंदिर पर सुबह से ही भंडारे का आयोजन शाम तक चलता रहा। यहां श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन चल रहा है। महंत नागेंद्र दास महाराज ने सभी के लिए मंगल कामना की है। जी अदा, आज जो है जेठ मंगल का चौथा मंगलवार है। इसी के उपलक्ष में आज यहाँ पर जो है रवा के हलवे का प्रसाद लगाया गया है और कच्ची रोड से आने जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो उसका प्रसाद छक रहे हैं। ये भंडारा करने से आत्मा को शांति मिलती है और एक दान पुण्य का कार्य भी हो जाता है और बजरंगबली महाराज की कृपा होती है। बजरंगबली महाराज सबकी ऊपर अपनी कृपा बरसाए, देश में सुख शांति का है। आज ज्येष्ठ माह का चतुर्थ मंगलवार है और इस उपलक्ष्य में पत्रकार, समस्त पत्रकार जो हैं वो नगर क्षेत्र के भंडारे का आयोजन कई वर्षों से करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी ये आयोजन भंडारे का हो रहा है। सभी पत्रकारों के सहयोग से ये भंडारा आयोजित होता है। बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूजन हुआ उसके बाद भोग लगा और भंडारे की शुरुआत हो गई है। देर शाम तक चलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आइए और प्रसाद ग्रहण करिए। जय बालाजी। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।